अलवर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ने सर्वाइकल कैंसर पर सीएमई आयोजित, जिसमें जयपुर के डॉक्टर अंजु माथुर ने शिरकत की। इससे सीएमई में वैक्सीन के बारे में चर्चा की गई और बताया गया कि सर्वाइकल कैंसर होने से पहले बचाव के तौर पर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। लड़के व लड़कियों दोनों को 9 से 14 की उम्र में 2 वैक्सीन लगती है, 0 से लेकर 6 महीने पर और 14 से लेकर 26 साल की उम्र में 3 डोज 2, 0 और 6 महीने पर लगाई जाती है। पहले जो वैक्सीन बाहर से आती थी वो बहुत महंगी होती थी, पर अब भारतवर्ष में वैक्सीन आ गई है जो कि अपेक्षाकृत बहुत सस्ती है। ये कैंसर ह्यूमन पेपिलोम वायरस की वजह से होता है। मुख्य रूप से 16 व 18 इसके प्रमुख स्ट्रेन है। इस वैक्सीन को अब नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी सम्मिलित करने पर विचार चल रहा है। WHO ने भी इस वैक्सीन के प्रति जागरूकता लाने के लिए डॉक्टर्स को नियुक्त किया गया है, जो कि विभिन्न प्रदेशों में जाकर सीएमई कर रहे हैं। इस संगोष्ठी में डॉक्टर मंजुलता अग्रवाल, डॉक्टर उत्तरा अग्रवाल, डॉक्टर मिथिलेश कर, डॉक्टर नंदिनी शर्मा, डॉक्टर अर्चना गुप्ता, डॉक्टर मीरा सरदाना, डॉक्टर चारू जौहरी, डॉक्टर रेखा गुप्ता, डॉक्टर आकृति, डॉक्टर ऋचा गुप्ता, डॉक्टर सपना जैन, डॉक्टर नीलम सिंघल, डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, डॉक्टर मोनिका गुप्ता, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, डॉक्टर दिव्यानी राणावत, डॉक्टर आभा सप्रा, डॉक्टर मंजू अग्रवाल, डॉक्टर सुनीता गोयल, डॉक्टर ऋतिका गुप्ता, डॉक्टर शिखा बंसल, डॉक्टर शिवानी अग्रवाल, डॉक्टर राधिका कुंदानी, डॉक्टर भगवती मीना, डॉक्टर प्रमीला गुप्ता, डॉक्टर सरोज जैन, डॉक्टर इंदु वर्मा आदि ने शिरकत की। Impact of the vaccine and how it is affected in the young adolescent. Thank you, Chairperson, for the permission. Changing the HPV line. It is a cancer that begins on the surface in the transformation zone. It is the mouth of the uterus, and so all of you know how it spreads. The contact causes the